थैंक यू। अच्छा लगा नए साल में नए आइए बच्चों सी एंट्री जो होगी, मतलब आपको देखने को मिलेगा एक मिडिल क्लास घर जो है देश में, लखनऊ के शहर में, कैसे एक क्रिकेटर, ये जो क्रिकेटिंग कोच है, एक स्ट्रगल चल रही है उसकी लाइफ में इवन एंड्स मीट करने के लिए, मतलब उनके महीने के खर्चे कैसे कहाँ से आते हैं। तो किसी तरह से शैली जो उसकी पत्नी है वो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, कभी ज्वेलरी बेच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन घर को चला कर रख रही हैं। बट ऑब्वियसली ये क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो इसके अंदर एक शुरू से वो रहा है मन के अंदर, प्लस साथ में शैली के ताने जो हैं वो इसको रोज़ मिलते रहते हैं कि कुछ बनो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। तो वो सब चलते चलते इनकी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं, ये एंट्री है। और इसके बाद जो बीच में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो इसने मार्केट के देने होते हैं, उस रीजन से इसको एग्जिट की तरफ एक स्टेप लेना पड़ता है, एक ऐसा कदम जहाँ पे शैली, मैं और पिंटू, हम तीनों मिलके कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं जहाँ पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो देखिए, मैं बहुत मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेयर्ड रोल। एक एक्टर के लिए ऐसा रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से शैली का जो रोल है वो ऐसा ही है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि एक्चुअली शैली इनकी बहुत केयर करती है और बहुत प्यार करती है और चाहती हैं कि बहुत बड़े स्टार बन जाए, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप बोलेंगे कि क्यों, मतलब शैली ऐसा क्यों कर रही है और शैली वैसा क्यों कर रही है। तो मोटिव उसका बस इतना रहता है कि किसी तरीके से पैसे आ पाएँ, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत मुश्किल से ज़रूरतें पूरी हो रही हैं हमारी फैमिली में, हमारा एक क्यूट सा छोटा सा बेबी भी है और बच्चा भी है। तो हमें ये लगता है कि यार कुछ पैसे कमा लें, हम भी कुछ कर लें, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही छोटा सा क्वार्टर है, बहुत ही छोटा सा, उस क्वार्टर को क्या बोलते हैं, पुलिस क्वार्टर्स, छोटे क्वार्टर्स में हम शूट कर रहे थे, मतलब इतना छोटा था कि हम अपनी कैमरा प्लेसमेंट भी जल्द ठीक से नहीं हो पा रही थी, इतना छोटा। तो अपनी ज़रूरतों को मीट कर पाएँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, क्योंकि शैली जो है वो आज के ज़माने की लड़की है, तो उसे भी चाहिए कि यू नो महंगी टीवी आए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी आए। तो शैली के सपने अपने ऐसे थे कि शी वांट्स कि रवि को किसी तरह पुश करूँ और किसी तरह से ऐसे पैसे कमाए जाएँ, और मतलब ताकि हम भी सी, ये सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि इसका अच्छा हो, मतलब ये तो बन जाए क्रिकेटर, लेकिन उसके साथ में जैसे क्रिकेटर की बीवी घूमने जाएगी, यू नो वो भी बैठेगी आराम से, मतलब वो भी अपनी ड्रिंक पे। मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि यार ये क्रिकेटर बन जाएगा बहुत बड़ा, और जैसे हर क्रिकेटर की बीवी जाती है, बैठती है आराम से, पूरी दुनिया घूमती है चश्मा वश्मा लगा, तो इनको ये था कि लॉर्ड्स में बैठ के लस्सी पियेंगी, मतलब आराम से, मैं भी बैठूंगी एक दिन, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप बताइए, जिसके सपने टूटेंगे वो तो बोलेगी ना अपने पति को, मैंने इसीलिए शादी की और वो हुआ नहीं। मुझे तो महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार उनका रिश्ता देखकर लगता है सच में प्यार अभी भी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता लगता है एक दूसरे को। उनका देख के नहीं लगता है? नहीं, उनका देख के ज्यादा लगता है। बाकियों का देख के नहीं लगता? नहीं, उनका ज्यादा लगता है। अच्छा, इज इट पुलिंग माय यार। और ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि उन्हीं की तरह हमारा भी रिश्ता हो, हम भी घूमने जाएं, हमारा भी लोग हमारे भी फैंस बने और लोग बोलें कि वाओ इतने हैंडसम पति की बहुत ही हॉट सी बीवी है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो दिल टूट गया शैली का। जी, सी आई थिंक सारे क्रिकेटर जो जैसे कोहली हो गए, फिर धोनी हो गए, सुरेश रैना हो गए, तो ये सभी मतलब जो हुएवर गोज एंड आर ट्रैवलिंग विद देयर वाइव्स, वही एक एम था इनका शैली का कि किसी तरह से रवि और शैली जा पाए और ऐसे बन जाए। लेकिन बेचारे पिंटू और रवि दोनों ही क्रिकेटर नहीं बने, एक बन गया इंश्योरेंस एजेंट और एक बन गया क्रिकेटिंग कोच, वो भी एक छोटे से स्कूल में। या
एग्जिट टू का पूछ रहा है। अच्छा एग्जिट टू हो सकता है, क्यों नहीं अभी, लेकिन हम रिवील कर सकते हैं नहीं अभी बता नहीं सकते, वो राजीव जी बताएंगे, वो हाँ वो राजीव सर बताएंगे कि एग्जिट टू आएगी या नहीं, वो सर ही बता सकते हैं। एग्जिट टू के बारे में तो वही बता सकते हैं डायरेक्टर जी। जी जी, सो ये सेकंड लॉकडाउन के आसपास की कहानी है मतलब, लेकिन तब तक हम लोग आई थिंक ओवरऑल शूट करने में बहुत मज़ा आया। एक अच्छी चीज़ ये थी कि सभी प्रिपेयर्ड थे, मतलब एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके टेक्नीशियंस सब प्रिपेयर्ड थे, रेडी थे, और सब लोग मतलब बहुत ही उत्सुक थे काम करने के लिए। एंड हमें दिख रहा था कि एक अच्छी सीरीज़ बन रही है। एक होता है ना कि आपको शुरू से पता चल जाता है कि कहाँ आप जा रहे हैं, क्या चीज़ बन रही है, तो ये दिख रहा था कि एक अच्छी चीज़ बन रही है। एंड वो रोज़ ही एक एक्साइटमेंट लेके आप सेट पे वापस आते थे, एंड यू शू शूट, सो विच इज़ बेटर। जी 11 जनवरी को ये ऑन एयर हो जाएगी, सारे लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने उल्लू ऐप का नाम लिया, ये बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, इसका जो कंटेंट है आपको कंटेंट हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन याद सीख के आई ना, पहले भी बोली थी, स्पेशल लाइन है या इसके कंटेंट से आप कंटेंट हो जाएंगे। बट इज इट नॉट गुड? जी वेरी गुड आई थिंक सो। एंड ये हाँ जो इन्होंने बोला, एंड हम सब भी यही बोलना चाहते हैं कि उल्लू ऐप का जो पूरा एक इमेज है जो कुछ दर्शकों के माइंड में अभी भी है, दिस इज़ प्योरली एंड फ्रॉम नाउ ऑन वट एवर कॉन्टेंट इज कमिंग इज प्योरली कॉन्टेंट ड्रिवन एंड इट इज़ नॉट बोल्ड, इट्स बेसिकली दिस इज़ अ प्योर थ्रिलर, वेरी वेरी क्लीन आई वुड से। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आगे भी आ रही हैं, तो 11 जनवरी को प्लीज़ देखना ना भूलिए उल्लू ऐप पे। एग्जिट नहीं, मेरी एग्जिट के साथ एंट्री हो रही है मेरी 2022 में, और या 2022 आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री है, और 2021 में शूट किया था ये, बट आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कब रिलीज़ होगा, और अब फाइनली रिलीज़ हो रहा है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सबको उतना ही पसंद आए जितना हम लोग को शूट करने में पसंद आए। तो मेरा नाम है जेनी, नाम ही इतना स्टाइलिश था जब ही मुझे ये स्टोरी नरेशन मिला था, और उसके बाद जब मैंने उसका और बाकी सब पूरी कहानी सुनी, सो आई वाज लाइक, एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है येस या नो, जब भी आप सोच रहे हो तो क्या मैं कर पाऊँगी, और क्योंकि सिगरेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैंने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग बट मे बी उस टाइम पे देर वॉज समथिंग दैट वॉज जस्ट टेलिंग मी टू डू इट, एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो अपने दिल की बात सुनी, और बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं, मुझे हमेशा से टच वुड बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिले हैं, और मुझे वैसा ही प्ले करना पसंद है। तो ये भी एक ऐसा किरदार है जो सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को वो लूप होल ढूंढ के निकालना और यू नो उन तक पहुँचना। सो या आई रियली एंजॉय डूइंग इट। तो एक्चुअली मैंने सबका पर्सनली इंडिविजुअली काम देखा है, और जब आप अच्छे एक्टर्स एक साथ काम करने के लिए साथ में आते हैं तो आपको पता होता है कि वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान अपने कैरेक्टर अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है, प्लस राजीव सर ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो सब ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। सो अच्छा लगता है जब आप एक अच्छे स्टार कास्ट के पार्ट होते हैं, सो आई थिंक इट्स एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू डू इट वेरी नाइसली, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान अच्छा करने वाला है अपने अपने तरीके से, तो और ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है। एंड येस आई लव्ड द स्टार कास्ट, द स्टोरी, एवरी वन, आई थिंक जिसको जो जो कैरेक्टर मिला है वो उसमें एकदम परफेक्टली फिट बैठा है। सो यार तो एक्चुअली नितिन जी ने
पूरा मैनेजमेंट इतना आसान बना दिया, क्योंकि एक डिफरेंट शहर में शूट करना, वहाँ पे सब चीज़ों का ख्याल रखना, हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तकलीफ नहीं हुई. इनफैक्ट सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे. ऑफकोर्स हम लोग को थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना ज़रूरी था, बट क्योंकि मैं वो फर्स्ट एक्टर हूँ जो फर्स्ट लॉकडाउन में, आई वॉज द वन हु स्टार्टेड शूटिंग जब भी फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, और तब इतना डिफिकल्ट सारी सिचुएशन थी कि उसके बाद मैंने अपने मन से वो डर निकाल दिया. मुझे लगता है बस आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, आपको सब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया में सब काम करना बंद नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, तो आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा. सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी ध्यान रखा अपना. यस, 11th of January को एग्जिट आने वाली है आपके उल्लू ऐप पर. सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी. थैंक यू सो मच. आपको कुछ पूछने की जरूरत है?